मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट मंत्री सम्राट चौधरी से पूछने का प्रयास कीजिए, हिम्मत जुटाइए। सहयोगी दल के हैं, थोड़ा धीरे ही आवाज में पूछिए, लेकिन पूछिए कि पिछले 5 साल से इन लोगों को वेतन क्यों नहीं मिला है। मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। हमारे पीछे धरना प्रदर्शन करने वाले 1,14,000 वार्ड सचिव हैं। 4 साल काम करवाया, पैसा नहीं दिया। मुस्कुराइए, आप बिहार में हैं, ये लाइन आपने सुना होगा, मगर ये हर हफ्ते में 2 दिन आपको ये चीज़ ज़रूर देखेगा जब पटना की सड़कें बेरोजगारों से या ऐसे लोगों से अपने हक मांगते हुए लोगों से मिल जाएंगी। 1,14,000 से कुछ ज़्यादा की संख्या वार्ड सचिव, 4 साल के बाद इनको नोटिस थमाया जाता है कि अब आप लोगों की ख़त्म नौकरी, अब दूसरे लोगों को हायर किया जाएगा, जबकि लोगों का पैसा देने तक नहीं मिला। क्या हो रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी जिस योजना पे सबसे ज़्यादा अपनी पीठ को थपथपा रहे थे, आज उसके वार्ड सचिव लोग यहाँ पर धरना पे रोड पे बैठे हुए हैं। एक तो बिहार में रोजगार का औसन या सृजन नहीं कर रहे हैं, दूसरे जो रोजगार में हैं उनको वेतन नहीं दे रहे हैं। भूखों मरने की नौबत आई है, जब भूखों मरने की नौबत आई है तब यह सड़क पर बैठे हैं। जी, आप देख रहे होंगे कि कुछ बहन भी बैठी हैं, जिनके महिलाएं भी हैं, जिनके गोदी में बच्चा है। जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अब तो शर्म भी नहीं आती है कि बिहार में 19 लाख रोजगार का बात किए थे और यहाँ 1,14,000 का नौकरी छीनने पे आमादा है। देखिए, सरकार में अखंड भ्रष्टाचार भरा हुआ है और यह कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है कि पुराने कर्मियों को हटाकर नया बहाली का एक रास्ता को साफ किया जाए, क्योंकि अंडर टेबल तो काम होता है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में नीचे से काम होता है, नीचे से एकदम नीचे वाला धारा होता है इनमें। अच्छा, तो भरना भी तो है तिजोरी लोगों। अच्छा, अब ज्यादा दिन का तो है नहीं, अब कुछ दिन बचा है महाराज, तो कुछ दिन बचा है। तो अफसर देखिए, यहाँ सरकार जो है वह अफसर चला रहे हैं, यह लोकतंत्र के हाथ से यह निकल चुका है। तो विपक्ष में आप लोग भी हैं? हाँ, विपक्ष में हैं हम लोग विपक्ष में हैं और सजग पहरेदार के रूप में नजर ही नहीं आते। अरे, नेता का सिपाही है यहाँ पे खड़ा हुआ, हम किसी से कम है का हमजा जी? ऐसा ना बात बोलते हैं। अच्छा, एक बिहारी 100 पे भारी, तो नीतीश कुमार जी पे किसी भी स्थिति में तो हम भारी है ना पड़ेंगे। अच्छा, उनका भ्रष्टाचार का रात दिन पोल खोलते रहते हैं आपके चैनल पे। अभी भी देखिए आवाज आ रहा है, हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट मंत्री सम्राट चौधरी से पूछने का प्रयास कीजिए, हिम्मत जुटाइए। सहयोगी दल के हैं, थोड़ा धीरे ही आवाज में पूछिए, लेकिन पूछिए कि पिछले 5 साल से इन लोगों को वेतन क्यों नहीं मिला है, और काम करा के अगर वेतन नहीं दिए हैं तो ये तो बहुत गलत है ना बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं और वहाँ एक ठेकेदार की समस्या पे विभाग के बड़े बड़े अफसरों को बुला के कहते हैं कि भुगतान क्यों नहीं हुआ। तो अपने मंत्री को बुलाइए और पूछिए कि यह गरीब लोगों का भुगतान क्यों नहीं किए और क्यों हटा रहे हैं, इनको रेगुलर कीजिए और इनका वेतन मान दीजिए। मंत्री के पास इतनी पावर होती है कि वो बिना मुख्यमंत्री के कोई चीज कर ले, इन लोगों का वेतन रुक जाए, इन लोगों को जॉब से हटा दे। तो आपके कहने का मतलब है कि मतलब इनका वेतन मुख्यमंत्री रोके हैं, अब मुख्यमंत्री ही हटाना चाहते हैं? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, गरीब लोग हैं और बिहार की तरक्की में इनका भी योगदान है, इसको ध्यान में रखते हुए इनकी जो उचित मांगे हैं उनको बैठकर सुनिए और उसका समाधान करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बिहार में रोजगार नहीं है। और बेरोजगारों की फौज आप कितना बढ़ाइएगा, बेरोजगारों की फौज कितना बढ़ाइएगा? सर सुनिए, कोई नहीं है टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। एक बिहारी सब पे भारी, सिपाही यहाँ पे है तो नेता की क्या जरूरत है? चिराग के हनुमान ने मोर्चा संभाल लिया है, अब इन बेरोजगारों से देख लीजिए, सब इनसे बात करने आ रहे हैं, अपना दुख दर्द बता रहे हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।